से आपको दे दे, गुरुकुल पब्लिक स्कूल में चली है गोली, 12वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र को मारी है गोली। स्कूल के अंदर गोली मारकर फरार हुआ है आरोपी छात्र, घायल छात्र को पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है इलाज के लिए। पूरा मामला खैर थाना इलाके के सोमना रोड का है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अलीगढ़ से आपको दे दें, गुरुकुल पब्लिक स्कूल में गोली चल गई है, 12वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र को गोली मारी है और उसके बाद मौके से फरार हो गया है और घायल छात्र को पुलिस ने अस्पताल में एडमिट करवा दिया है जहां उसका इलाज चल रहा है। आरोपी छात्र की तलाश लगातार की जा रही है और साथ ही कारण भी तलाशा जा रहा है कि आखिर क्यों 12वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र को गोली मारी, आखिर वो कौन सा विवाद था जो छात्र को खूनी बनने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि आरोप लगा है, अभी आरोप लगा है कि 12वीं के छात्र ने गोली मारी है 10वीं के छात्र को। छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, स्कूल के अंदर ही गोली मारकर फरार हुआ है। इसके साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि छात्र बंदूक लेकर स्कूल परिसर के अंदर कैसे प्रवेश कर गया। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि स्कूल में आखिरकार छात्र पिस्टल लेकर कैसे दाखिल हो जाता है और अगर आपसी विवाद ये था भी तो फिर गोली चलाने की नौबत कैसे आ जाती है। इन्हीं सब कारणों की तलाश पुलिस की टीम करेगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अलीगढ़ से आपको दे दें, गुरुकुल पब्लिक स्कूल में गोली चल गई है जिसके बाद हड़कंप की स्थिति नजर आई, 12वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र को गोली मारी है उसके बाद मौके से फरार हो गया है। आरोपी छात्र फरार है और इसके साथ ही कई सवाल है जो अनसुलझे है कि पिस्टल आरोपी छात्र के पास आई कैसे, क्योंकि वो 12वीं का छात्र है, कम उम्र है, तो ऐसे में उसके पास पिस्टल आई कैसे। लवी कहाँ पढ़ते हो? गुरुकुल स्कूल खैर पे। अच्छा, गुरुकुल खैर में क्या घटना हुई है आपके साथ? मैं बच्चों से बात कर रहा था तो पीछे से आगे मेरे फायर कर दिया है। किसने गोली मारी है? कपिल नाम का। कौन छात्र है? स्कूल का ही? हाँ, स्कूल का। तो स्कूल में ये असला वगैरह लेके आता है क्या? हाँ, हाँ। किस बात को लेके गोली मारी थी? पता नहीं, कुछ बात नहीं थी मेरी उससे, मैंने कुछ वो मैटर उससे, पीछे से आके बात कर रहा था मैं, पीछे से आके गोली मार के चला गया। कहाँ गोली लगी है आपके? तो अभी उपचार चल रहा है आपका? क्या उपचार चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है? हाँ। कहाँ लेके आए पुलिसकर्मी आपको? मलखान सिंह। से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद जुड़े हुए हैं। प्रमोद, सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो स्कूल की सुरक्षा को लेकर भी उठता है कि आखिरकार छात्र के पास ये बंदूक आई कैसे और विवाद का कारण क्या निकलकर सामने आ रहा है अब तक? देखिए, अभी तक विवाद का कारण कोई भी नहीं निकल के आया। बताया जा रहा है कि मामूली सी कहासुनी को लेकर कॉलेज में ही छात्रों के दो छात्रों के बीच कहासुनी हुई थी, उसके बाद कल यह घटना हुई और आज छात्र तमंचा लेकर कॉलेज परिसर में पहुंच गया और उस दौरान गोलियां चलाता है और गोली लगने से एक छात्र घायल हो जाता है। तो आनंद फानंद में कॉलेज स्टाफ छात्र को मलखान सिंह हॉस्पिटल लेके आया जहाँ छात्र की गंभीर हालत देखते हुए उसे JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। हालांकि घटना के बाद जो आरोपी छात्र है वो मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कक्षा 10वीं का छात्र है जो घायल हुआ है और आरोपी जो छात्र है वो कक्षा 12 का है, यानी उस छात्र की भी उम्र ज्यादा से ज्यादा 17 से 18 साल रही होगी और वो छात्र कॉलेज में तमंचा लेकर पहुंच जाता है, बेखौफ छात्र पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है, यानी जिस जगह छात्र खड़ा था कई और भी छात्र खड़े हुए थे, ऊपर वाले की कृपा। सबसे बड़ी बात यह रही कि किसी अन्य छात्र के गोली नहीं लगी, एक ही छात्र के गोली लगी है। अभी तक की बात की जाए तो अभी पुलिस के आला अफसर मौके पर हैं, जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। देखने वाली बात यह है कि आखिर आरोपी छात्र की गिरफ्तारी कब तक होती है। जी प्रमोद, बिल्कुल, ये जो 12वीं का छात्र था इसके बारे में और क्या पता चल पाया, क्या कभी किसी और छात्र से भी इसका विवाद हुआ क्या? देखिए, अभी तमाम इन पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। सामने जो निकल कर आ रहा है यही सामने आ रहा है कि कल मामूली सी बात को लेकर कक्षा 10 के छात्र से इसकी कहानी हुई थी और उसके बाद फिर आज सीधे बिल्कुल तो घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया आरोपी छात्र जिसकी तलाश पुलिस की टीम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद जानकारी के लिए।